द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी भाग्य रेखा। कनाट सर्कस के बाग में, जहां नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती हैं, जहां शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं, तीन आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छां में बैठे बीड़ियां सुलगाए बातें कर रहे थे, और उनसे जरा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े पहने, अपने जूतों का सिरहाना बनाए घास पर लेटा हुआ लगातार खांस रहा है। पहली बार जब वे खांसा तो मुझे बुरा लगा। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, सफेद छोटे छोटे बाल, काला झाइयों से भरा चेहरा, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे को झुके हुए, खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा, सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर ना थूकना पड़े। उसने मेरी ओर निगाह उठाई, पल भर घूरा, फिर बोला, तो साहब वहां लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है, इसमें आदमी खुलता रहता है, मरता नहीं। मैंने सुनी अनसुनी करके जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा, पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा तो वह मुझ पर टकटकी बांधे मुस्कुरा रहा था। मैंने अखबार छोड़ दिया। क्या धंधा करते हो? जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग ना किया करती थी। क्या करते थे? उस आदमी ने अपने दोनों हाथों की हथेलियां मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ के बीच की तीन उंगलियां कटी हुई थी। वह बोला, मशीन से कट गई, अब मैं नई उंगलियां कहां से लाऊं? जहां जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है, कहकर हंसने लगा। पहले कहां काम करते थे? काल का वर्कशॉप में। हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने को मेरा जी नहीं चाहता था। बहुत सी राम कहानियां सुन चुका था। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रखे लेट गया। मैं भी लेट कर अखबार देखने लगा, मगर थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरे नजदीक धीमा धीमा वार्तालाप चल रहा था। यहां पर भी तिकोन बनती है, जहां आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखो देखो देखो, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। मैंने आंखें खोली। वही दमे का रोगी घास पर बैठा, उंगलियां कटे हाथ की हथेली एक ज्योतिषी के सामने फैलाए अपनी किस्मत पूछ रहा था। लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है। तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। कब? जल्द ही। देखते ही देखते उसने ज्योतिष के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। ज्योतिषी तिलमिला गया। कब धन मिलेगा? धन मिलेगा, 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पड़ा हूं और कहता है धन मिलेगा। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगा, मगर यजमान ने कलाई खींचकर बिठा लिया। मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ज्योतिषी कोई 20-22 वर्ष का युवक था। काला चेहरा, सफेद कुर्ता और पजामा जो जगह जगह से सिला हुआ था। बातचीत के ढंग से बंगाली जान पड़ता था। पहले तो घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मुख भाषा पढ़ता रहा। फिर धीरे से बोला, तेरे भाग्य रेखा नहीं है। यजमान सुनकर हंस पड़ा। ऐसा कहना साले, छिपाता क्यों है? अच्छा, भाग्य रेखा कहाँ होती है? इधर, यहां से उस उंगली तक जाती है। साले, भाग्य रेखा ही नहीं है तो धन कहां से मिलेगा? धन जरूर मिलेगा,
तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी, उसका भाग्य तुझे मिलेगा। ऐसा भी होता है? ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूँ, वही तो चार बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई है। ज्योतिषी चुप हो गया। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, साले तू अपना हाथ दिखा। ज्योतिषी सकुचाया, मगर उससे छुटकारा पाने का कोई साधन ना देखकर अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। यह तेरी भाग्य रेखा है? हाँ। तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे? ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पतरा सहेजने लगा। बैठ जा इधर, कब से ये धंधा करने लगा है? ज्योतिषी चुप। दमे के रोगी ने पूछा, कहाँ से आया है? पूर्वी बंगाल से। शरणार्थी है? हाँ। पहले भी यही धंधा या? ज्योतिषी फिर चुप। तनाव कुछ ढीला पड़ने लगा। यजमान धीरे से बोला, हमसे क्या मिलेगा, जा किसी मोटर वाले का हाथ देख। ज्योतिषी ने सिर हिलाया, वे कहाँ दिखाते हैं, जो दो पैसे मिलते हैं तुम ही जैसों से मिलते हैं। सूर्य सामने पेड़ के पीछे ढल गया था। इतने में 5-7 चपरासी सामने से आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। जा उनका हाथ देख, उनकी जेबें खाली ना होंगी। मगर ज्योतिषी सहमा सा बैठा रहा। एकाएक बाग की आबादी बढ़ने लगी। नीले कुर्ते पजामे पहने लोगों की कई टोलियां एक एक करके आई और पास के फुटपाथ पर बैठने लगी। फिर एक नीली सी लारी झपटती हुई आई और बाग के ऐन सामने रुक गई। उसमें से 15-20 लठधारी पुलिस वाले उतरे और सड़क के पार एक कतार में खड़े हो गए। बाग की हवा में तनाव आने लगा। राहगीर पुलिस को देखकर रुकने लगे। पेड़ों के तले भी कुछ मजदूर आ जुटे। लोग किस लिए जमा हो रहे हैं? ज्योतिषी ने यजमान से पूछा, तुम नहीं जानते, आज मई दिवस है, मजदूरों का दिन। फिर यजमान गंभीर हो गया, आज के दिन मजदूरों पर गोली चली थी। मजदूरों की तादाद बढ़ती ही गई और मजदूरों के साथ खोमचे वाले, मलाई, बर्फ, मूंगफली, चाट चबेने वाले भी आन पहुंचे और घूम घूम कर सौदा बेचने लगे। इतने में शहर की ओर से शोर सुनाई दिया। बाग से लोग दौड़ दौड़ कर फुटपाथ पर जा खड़े हुए। सड़क के पार सिपाही लाठियां संभाले तनकर खड़े हो गए। जुलूस आ रहा था, नारे गूंज रहे थे, हवा में तनाव बढ़ रहा था। फुटपाथ पर खड़े लोग भी नारे लगाने लगे। पुलिस की एक और लारी आ लगी और लठधारी सिपाही कूद कूद कर उतरे। आज लाठी चलेगी, यजमान ने कहा, पर किसी ने कोई उत्तर ना दिया। सड़क के दोनों ओर भीड़ जम गई। सवारियों का आना जाना रुक गया। शहर वाली सड़क पर से एक जुलूस बाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। फुटपाथ वाले भी उसमें जा जाकर मिलने लगे। इतने में दो और जुलूस अलग अलग दिशा से बाग की तरफ आने लगे। भीड़ जोश में आने लगी। मजदूर बाग के सामने 8-8 की लाइन बनाकर खड़े होने लगे। नारे आसमान तक गूंजने लगे और लोगों की तादाद हजारों तक जा लगी। सारे शहर की धड़कन मानो इसी भीड़ में पूंजीभूत हो गई हो। कई जुलूस मिलकर एक हो गए। मजदूरों ने झंडे उठाए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों ने लाठियां उठा ली और साथ साथ जाने लगे। फिर वह भीमाकार जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कनाट सर्कस की मालदार धुलीपुती दीवारों के सामने वह अनोखा लग रहा था, जैसे नीले आकाश में सहमे अंधियारे बादल करवट लेने लगे। धीरे धीरे चलता हुआ जुलूस उस ओर घूम गया जिस तरफ से पुलिस की लारियां आई थी। ज्योतिषी अपनी उत्सुकता में बेंच के ऊपर आ खड़ा हुआ था। दमे का रोगी अब भी अपनी जगह पर बैठा एक टक जुलूस को देख रहा था। दूर होकर नारों की गूंज मंदतर पड़ने लगी। दर्शकों की भीड़ बिखर गई।
जो लोग जुलूस के संग नहीं गए वे अपने घरों की ओर रवाना हुए। बाग पर धीरे धीरे दोपहर जैसी निस्तब्धता छाने लगी। इतने में एक आदमी जो बाग के आर पार तेजी से भागता हुआ जुलूस की ओर आ रहा था सामने से गुजरा। दुबला सा आदमी मैली गंजी और जंघिया पहने हुए। यजमान ने उसे रोक लिया। क्यों दोस्त, जरा इधर तो आओ। क्या है? ये जुलूस कहाँ जाएगा? पता नहीं, सुनते हैं अजमेरी गेट दिल्ली दरवाजा होता हुआ लाल किले जाएगा। वहां जलसा होगा। वहां तक पहुंचेगा भी? ये लठधारी जो साथ जा रहे हैं, जो रास्ते में गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ तो होती ही रहती है, तो जुलूस रुकेगा थोड़े ही, कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दमे का रोगी जुलूस के ओझल हो जाने तक टकटकी बांधे उसे देखता रहा। फिर ज्योतिषी के कंधे को थपथपाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। ज्योतिषी फिर कुछ सकुचाया, घबराया। यजमान बोला, देखा साले? हाँ देखा है। अब भी यजमान की आंखें जुलूस की दिशा में अटकी हुई थी। फिर मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां कटी हथेली ज्योतिषी के सामने खोल दी। फिर देख हथेली, साले तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है? और फिर बाएं हाथ से छाती को थामे जोर जोर से खांसने लगा। तो अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी भाग्य रेखा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।